हाँ, तो आज शिविर का शायद चौथा दिन है। हाँ, चौथा दिन है। अच्छा, तो मैंने सुना था कि आपने कुछ कितनी सारी नई नई रेसिपी बनाई। तो 6 आइटम है और बेस्ट से बेस्ट, उसमें डिलीशियस भी आ गया है। अच्छा, स्वीट चटनी भी है, आचार भी है, सब्जी भी है और सलाद भी है और शेक, गाजर अच्छा, का शेक बनाया अच्छा, है, तो कोकोनट बेस। ओके, तो अभी हम दर्शकों को बता देते हैं, वो भी हाँ, जानने को उत्सुक हो गए कि ये कैसा दिख रहा है और कैसा है। हाँ, अच्छा, ये कौन से आइटम है? ये है मूंगफली की बर्फी है। अच्छा, हाँ, जिसमें हनी डाला है, काजू की पेस्ट थोड़ी सी डाली है और बादाम का पाउडर और इलायची पाउडर। अच्छा, और दूसरे आइटम हमारे, ये हमारे गुजरात में जो राजकोट है, हाँ, राजकोट शहर की पीली चटनी। अच्छा, जो ढोकले के साथ खाई जाती है, वो भी बेस्ट बनी है, खट्टी तीखी है और अदरक और सभी टेस्ट भी मिलाए हुए हैं। अच्छा, और ये है हमारा आचार, हम दोपहर के वक्त भी यूज कर सकते हैं, शाम को भी यूज कर सकते हैं, ऐसे सिंपल ही है, नीम के रस डाला हुआ है और सारे मसाले, तो आलू और गाजर है। हाँ, आलू और गाजर। अच्छा अच्छा, ये सब्जी साइड लग रही है। हाँ, ये सब्जी है, आलू, पत्ता गोभी, टमाटर और थोड़ी सी काजू की पेस्ट डालकर। अच्छा, और 1 बाउल जितना हमने मखाना डाला है। अच्छा, जिससे थोड़ा गाढ़ा बन जाए और सब्जी एकदम से बढ़िया लगे। शायद ये मुझे पंजाबी रेसिपी टाइप लगा। पंजाबी जैसी, हाँ, मखाने वहाँ पर ज्यादातर, पर यहाँ पर हमने मखाने कम से कम यूज किए है। हाँ, क्योंकि वो हेल्थ के लिए थोड़ा, ये तो टेस्ट के लिए हमने डाला, थोड़ा भुना हुआ होता है, इसलिए कम मात्रा में अभी यूज किया है। हाँ, ज्यादातर वेजिटेबल्स का यूज किया हुआ है। हो सके क्रोनिक डिजीज है, इनको 1% भी यूज ना करे, दोनों टाइम जिसको लेना है वो एकदम से हेल्दी है वो ही ले सकता है। ये है हमारी वेजिटेबल भेल। अच्छा, वो सारी आइटम में से नंबर 1 आइटम है। हाँ, वो सभी आप लोगों ने भी सिरसा पानीपत में भी देखी होगी। हाँ, एकदम से बढ़िया है, खजूर और ग्रीन चटनी डाल दी है, सभी वेजिटेबल्स डाल दी है, ओके, सभी को मिक्स कर दी है। ओके, और ये है गाजर शेक। अच्छा, दो दो डेजर्ट आइटम। हाँ, कोकोनट का मिल्क निकाला है और गाजर का जूस उसमें डाल अच्छा, दिया है। अच्छा, काजू की पेस्ट और किशमिश की पेस्ट और इलायची पाउडर। ओके, और थोड़ा सा गुड़ या फिर हनी भी यूज कर सकते हैं, वो भी आप दोपहर के शाम तीनों टाइम यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू भैया। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज शिविर का चौथा दिन है, तो शिविर में 6 आइटम बनाई है, आपको ये अपको भोजन, अमृत भोजन कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, 4 दिन से पेट भी अंदर से बोल रहा है कि बहुत अच्छा है। हाँ, आज कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई? तो सारा ही बहुत कुछ अच्छा लगा, और ये जो ये मिक्स जो ये कॉर्न, ये हाँ, वेजिटेबल है, ये बहुत ज्यादा टेस्टी बना हुआ है, और ये जो आलू की चिप्स और गाजर का ये जो अचार का अचार जो मसाला है, हाँ, ये भी बहुत टेस्टी और है। ये राजकोट की ग्रीन हरी पीली चटनी है, वो ये भी चटनी बहुत अच्छी है। हाँ, और ये शेक है, वो भी बढ़िया है, और गाजर है तो विटामिन भी हैवी है, तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये टेस्टी भी और हेल्दी भी है। वाह, बढ़िया। आप कुछ बताना चाहेगी? एकदम अच्छा। आप सीखना चाहेंगी ये सभी आइटम है? पोरबंदर आ जाए। हमें तो आप सब भी बहुत अच्छे लगे हो। थैंक यू। एक बना तो सब लेते, लेकिन एक बिहेवियर का होता है ना, तो आप लोगों का ये भी बिहेवियर बहुत अच्छा है, सब कुछ। जी, आप कुछ बताएंगे? जी, आप यहाँ जयपुर से ही है? हाँ, मैं जयपुर से ही हूँ। बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है, और 4 दिन हो गए हमें। और आप घर पर जाएंगी तो ये प्रिफर करेंगी या शाम को? करूंगी। हाँ, दोनों टाइम में भी इतने ऑप्शन मिल गए हैं कच्चे भोजन के, कि शाम को भी कुछ पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाम को पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छा है कि आप कुछ दीदी बताएंगी? ये बहुत अच्छा बताएंगे। हेलो, नमस्ते। हाँ, बोलिए आप। नमस्ते। ये 4 दिन से हम ये शिविर अटेंड कर रहे हैं, और इसमें जो खाना मिलता है वो बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी है। लोगों को लगता है कि कच्चा खाना टेस्टी नहीं होता, हेल्दी होता है लेकिन टेस्टी नहीं होता, पर ये खाने के बाद जो भी ये खाएगा उनकी सबकी राय बदल जाएगी, ये बहुत टेस्टी है। और दीदी, आपसे मैं एक प्रश्न भी पूछना चाहूंगी कि ये सभी आइटम है खा कर क्या कैंसर भी भगा सकते हैं? जी, बिल्कुल।
हाँ उनका इनसे सारी इस खाने से सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। हाँ जितना लाइव फूड खाएंगे तो हमारे अंदर टी सेल्स जनरेट हो गए जिससे हेल्दी सेल्स है और बेड सेल्स है वो डिलेट या फिर मर जाएंगे जिससे हमारा जो अंदर की अंदरूनी शक्ति है वो भी बढ़ सकती है। थैंक यू आप कुछ दीदी बताना चाहेंगी? ये बता दीजिए कैसा लगा भोजन अच्छा, आज का अच्छा। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस। हाँ जी बोलिए। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जब भी ये कहीं पर कैंप लगाओ तो मुझे जरूर याद कर लेना। आप हमारे साथ वॉलंटियर के साथ ही जुड़ जाइए। हाँ, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सारा। तो हम कल ये डिस्कशन कर रहे थे कि हम भी आपसे ना जुड़ना चाहते और हैं। हाँ दर्शकों आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये रसोई तो हम करते हैं पर कटाने में सभी हेल्प ये सभी लड़कियां बहने करती है तो बहुत बहुत थैंक यू। ओके वेलकम। ओम शांति दीदी जी। आज का जो ये अमृत भोजन है बिना पकाया हुआ और बिना पकाया तो नहीं कहेंगे सन कुक है, सनलाइट से पका हुआ है। आज जो आपके लंच में है तो अच्छा लगा? ये लंच में जो भी आइटम है बनाई गई है बहुत अच्छा लगा। हाँ चटनी बहुत अच्छी है। खजूर वो इमली और मूंगफली की जो चटनी है वो जो हाँ वो पीली चटनी वो राजकोट की फेमस है। ढोकले के साथ हम देते हैं वो। इसमें मूंगफली के साथ और क्या क्या डाला है? मूंगफली के साथ जो हरी मिर्च है अदरक है और लेमन वो तीनों को मिलाकर ये चटनी बनाई है मूंगफली के साथ। थैंक यू। दाना से बनाई हाँ भिगो कर रखा था 8 घंटे तक। थैंक यू। आज हमने एक अलग डिलीशियस आइटम बनाई है गाजर का शेक है। आपने स्टेट बनाई है तिल के लड्डू बहुत अच्छी है अच्छी लगी है हमको जी। तिल के नहीं है मूंगफली की बर्फी से बनाई है बहुत अच्छी लगी। ओके ओके। ये भी आज आपने जो मिक्स सारा सैलेड बनाया वो भी बहुत ही टेस्टी था। और जो आपने गाजर आलू मैंने पहली बार देखा है कि आपने आलू हम कच्चा खा रहे हैं। हाँ कच्चे आलू से डरते हैं लोग। कच्चा आलू जैसे मैं पहली बार खा रही हूँ इस तरह से लग नहीं रहा मेरे को कि मैंने कच्चा आलू खाया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा आलू और गाजर का जो आपने मिक्स बनाया है उसमें भी मस्टर्ड सीड है वो अच्छा, भी डाल सकते हैं और 8 दिन तक भी रख सकते हैं। मैंने कभी नहीं खाया है कच्चा आलू तो पहली बार मैंने खाया और मैं अब अपने घर पे जाके ये बनाऊंगी जी। थैंक यू। और ये आपको गाजर का जो शेक है वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैंने है ना उसके भी मैंने 2 ग्लास पिए बहुत अच्छा लगा जी। आप भी पीकर टेस्ट करिए और हमें बताइए और सभी दर्शकों को भी बताइए। टू मच डिलीशियस वाह रियली। मुझे तो एक और गिलास पीना पड़ेगा जी। वेलकम आइए। सबसे पहले तो मैं एनडीएस का समझ में नहीं आ रहा क्या खा और उसके बाद में आप बच्चों का बड़ा धन्यवादी और ग्रेटफुल हूँ कि आप इतनी मेहनत करके बच्चों ने जो ये हमारे लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं और इतनी दूर से पोरबंदर गुजरात से आए हैं फॉर द सेक ऑफ अवर सेटिस्फेक्शन। आप हमें ये समझा भी रहे हैं रेसिपी शायद आज 3 से 4 या 2 से 3 कुछ आपकी क्लास होगी लाइसेंस की आज अटेंड करेंगे आपकी क्लास भी। और एक प्रश्न मैं वो भी पूछना चाहूंगी जी जी कि ये जो सिस्टम है अपक्व भोजन की न्यू डाइट सिस्टम वो हमारा शारीरिक तल से तो बीमारियां दूर कर सकता है पर मानसिक लेवल पर क्या उनका असर है वो आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा असर है। हाँ मैंने खुद फील किया है। वाह जी। आप घर के अंदर मैं सिरसा हरियाणा से आया हूँ मैं घर के अंदर जब भी भोजन करता हूँ मेरे को प्याज लहसुन भी बड़ा वैसे मेरे माता पिताजी तो कभी मेरे घर में कम लोग खाते हैं लेकिन मुझे बड़ा पसंद है। मैं हॉस्टल में रहता था तब से मेरी रुचि थी प्याज और लहसुन का जो भोजन है वो थोड़ा तामसिक है। और इसके अलावा हम जो मैं मेरी पर्सनल बात करता हूँ बड़ा एक यूँ समझ लीजिए राजसी भोजन किया आज तक तो वो थोड़े से जो विचार आचार जो है ना वो अब मुझे लगता है यहाँ आने के बाद मुझे अपने आप को बड़ा डाउन टू अर्थ भी महसूस होता है। वेरी गुड। और फीलिंग बड़ी अच्छी आती है अंदर से। हाँ। कि इतने सालों तक मैं 68 ईयर्स का हो गया और इतना लेट मुझे क्यों पता लगा मुझे पता ही अब लगा है। मुझे पता लगते ही मेरे एक मित्र ने कहा यार मैं तो जा रहा हूँ तुम चलोगे कहाँ है क्या है उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया मैं यार मैं तो कई बीमारियों से परेशान हूँ मैं तो चलने को तैयार हूँ
और उन्होंने मुझे बताया रियली मैंने आज चौथा दिन है क्या, हाँ चौथा दिन, चौथा दिन है, चार दिन में मैंने एक भी टेबलेट नहीं ली बीपी की, एक भी टेबलेट कोलेस्ट्रॉल की नहीं लिया है, और मुझे बस सिर्फ इतना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए डॉक्टर साहब के पास आगे नपवा लेता हूँ, कहते इट्स ओके, इतना ही कल था, मगर 24 घंटे में मैंने टेबलेट भी नहीं ली, डेली एक सारियम लेता था, रोजुलिप मैं वो लेता था 5 mg कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो भी मेरी बंद हो गई है, और मेरा वेट लूज 67 kg का था मैं जब आया था, 67.5 अभी आज मैंने ना बस 64.5 kg था, वेरी गुड, कितना कम हुआ, कितना केजी, शायद आधा किलो एक किलो मेरा वहीं कम हो गया हो सिरसा में, क्योंकि मैं कई और अच्छे सिस्टम फॉलो कर रहा था, पतंजलि जाके आया था वो भी मैं फॉलो कर रहा था, तो हो सकता है कि कम से कम 1.5-2 kg मेरा वजन यहाँ घटा है, वेरी गुड। मानो NDS, मानो नए दिन की शुरुआत, NDS बिल्कुल नए दिन की शुरुआत, मेरे लिए तो ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर मैंने बस थोड़ा सा मन में एक डाउट है, हा? जो भोजन यहाँ बन रहा है वो मैं वहाँ भी यूज करता रहूँगा क्या, क्योंकि मैं इस तरह के भोजन का यूज टू भी नहीं हूँ, और मेरे अलावा जो लेडीज बनाती हैं उनको तो ऐसा बनाना ही नहीं आता होगा, चलो ये तो आपने स्पाइसी बना दिया, मुझे फ्रूट्स का वैसे शौक है, मैं तो सिंपल फ्रूट्स भी खा लूंगा, मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया हूँ, हाँ। कि चाहे सिंपली भी सिंपल बने, डिलीशियस ना भी बने तो मैं वो तो खा लूंगा। देखिए ये रेसिपी वगैरह जो शिविर में आते हैं, मानो 5 दिन 7 दिन तो उनको थोड़ा सा गाइड करने के लिए, अट्रैक्ट भी करने के लिए, हाँ वो ब्रिज का काम करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, जो ओल्ड डाइट सिस्टम है और न्यू डाइट सिस्टम में हमें जाना है तो ये सेतु पूरा पाड़ेगा, ठीक है, हाँ। और बाद में तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, सीधा केला खा लिया, टमाटर खा लिया, ये इन बिटवीन का रास्ता है, हाँ, एंट्री का गेट बना दिया, हाँ, एंट्री गेट है, बच्चों को लॉलीपॉप देके एक बार अटैक कर रहे हो, वो दुनिया में पहुंच जाएंगे और उनकी हैबिट पड़ जाएंगी, वो नेचुरली हैबिट पड़ जाएगी, क्योंकि वही तत्वों से हम बने हैं, 5 तत्वों से, हाँ बिना पकाया जो भी है उनसे ही बने हैं, तो उसमें ढल जाएंगे तो वो आदत ही नहीं लगेगी। इसके अलावा मेरे को सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है, ये जो हाँ, अब मैं फलाहार ले रहा हूँ, हाँ, या कच्चा आहार ले रहा हूँ, मुझे इसमें थोड़ी थोड़ी आस्तिकता भी आ रही थी मन में, हाँ, क्योंकि मैं बहुत कट्टर ही आस्तिक परिवार से हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि क्या इतना कुछ, ये इतना कुछ होता है क्या, इतनी पुरानी बातें मेरे पिताजी माताजी दादा दादी बताते रहे, तो सोचता हूँ नहीं ऐसा थोड़ी हुआ होगा इतने साल पहले इतने बड़े, तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब ए लिटिल बिट नास्तिकता की तरफ जाने लग गया था, नास्तिक एक योगी तत्व, हाँ, जो भक्ति में पूरा डूबा ही ना रहे, एक ऐसा लेवल आ जाए कि अपने अंदर ही भगवान को या परमात्मा को जान सके, हाँ, हाँ? तो ये जो भोजन करने लगने के बाद में मुझे बहुत ही अच्छा ये मैसेज होने लगा है, हाँ, कि जैसे मन मंदिर में राम जी को बसाना है अगर, तो उनके लिए मुझे प्याज लहसुन तो छोड़ना ही होगा, नॉनवेज तो मैंने जीवन में कभी लिया भी नहीं, इसके अलावा जो उबला हुआ और दूध है वो भी इन्होंने जैसे समझाया वो भी सड़ांत पैदा करता है, और जो सड़ांत हो गई कचरा हो गया तो ऐसे मंदिर में वो कैसे रहेंगे, और वो तो रह नहीं सकते, वो कच्चा भोजन है, और कच्चा भोजन तो बहुत जल्दी इजीली डाइजेस्टिबल है, और जल्दी से सफाई भी सफाई करेगा, तो ऐसे स्वच्छ मंदिर में आने की संभावना ज्यादा है, तो मुझे अपने आप को बड़ा क्या बोलते हैं गदगद या पुलकित महसूस कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है फ्रॉम द कोर ऑफ माई हर्ट कह रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, वेरी गुड, थैंक यू। और अगर मुझे जाने के बाद मैं इसका यूज हो जाऊँ, जैसा भी मुझे मिलेगा मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं नेचुरली डाइट खाता रहूँ, तो मेरी शायद मुझे मेडिसिन पे नहीं आना पड़ेगा, पूरी जिंदगी छोड़ गई, लगता है छूट गई, अब साथ लाया हूँ दवाइयाँ, ये वो दरिए में डाल दीजिएगा, डस्टबिन में राम जी जब जंगल में रहे तो यही थोड़ा सा ही खाई उन्होंने, 14 साल जब जंगल में रहे तो उनके पास कुछ भी साधन था, उन्होंने जो 14 साल जंगल पे बिताए इन फूल पत्तियों पे ही बिताए थे, तो आज हमको एहसास हो रहा है कि शायद राम भगवान हमारे बीच में है, अपने जो NDS के जो है अपने चौहान साहब जो है वो बिल्कुल राम की तरह लग रहा है कि उन्होंने फूल पत्तियां खाई हम भी उनके साथ खा रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी उनके साथ वानर सेना बन जाए, बने हुए हैं हम भी उनके साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है, उनको राम जी को भी मेहमान गति बोर से हुई थी, मीठे बोर से, मीठे बोर से वो उन्होंने भी कच्चा ही खाया था, तो हमको भी लग रहा है कि भगवान राम का दिया हुआ प्रसाद है जो हम खा रहे हैं जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, थैंक यू।
आज शिविर का कितना दिन है गौरव भाई? चौथा दिन, फोर्थ डे अभी चल रहा है और लंच सेशन लगभग सभी साधक ले चुके हैं और कोई कोई साधक जिनको जल्दी थी वो 5-7 लोग घर पे भी जा चुके हैं अपने काम के हिसाब से, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से थ्रू आउट ये शिविर चल रही है, लोग सभी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। आज सुबह का नरहरिन भाई पांड्या का जो क्लास रहा उसमें विशेष करके उपवास के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया, लोगों ने उन्हें अच्छे तरीके से समझा, चिंतन किया। अभी सेशन आया लंच का, तो लंच में भी काफ़ी सारी आइटम हमारी पोरबंदर की जो टीम है वो पूरी उन्होंने जी जान से कितनी सारी आइटम बनाई है। तो यहाँ के लोग आश्रम के जो डॉक्टर हैं, पहले आप वीडियो में मिल चुके हैं, जिन्हों का नाम है गौरव गुप्ता जी, और वो भी एक अच्छे तरीके से पॉजिटिवली और इनके प्रयास से ही ये शायद सफल हो चुका है ये प्रोग्राम। तो आप आज जो लंच दिया गया है वो सर आपको किस तरह से आप उनको कमेंट्स देंगे उनके बारे में? आज जो भोजन दिया गया है वो काफ़ी सराहनीय है। हमने प्रीवियस डे डिसाइड किया था कि कुछ कम आइटम रखेंगे, लेकिन हम हमारे बहुत कम समय के रिक्वेस्ट पे आपने आइटम्स को बढ़ा के और इतना अच्छा भोजन हमें कराया है, जिसमें 5 तरह के व्यंजन है, 1 जूस है, 2 सलाद है, 1 चटनी है। तो ये सारी चीजें जो एक परिपक्वता जो होती है ना एक पूरी प्लेट में वो दर्शाती है, और पेट में जाते ही वो पूरा एकदम मन मोह लेती है कि आनंद आ गया। तो ऐसी चीज आपने आज प्रस्तुत की है हमारे बीच, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। और ये कैंप आज बहुत अच्छा गया है, आज का दिन भोजन के पर्सपेक्टिव से भी और क्लास के पर्सपेक्टिव से भी, सारे लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, कैंप को लेके पॉजिटिव है, ये सबसे बड़ी बात है जी। आज आपने जो भोजन लिया है उसमें से कोई रेसिपी पर्टिकुलर आपको बहुत अच्छी लगी हो? मुझे एक आपका जो सलाद है जो आज आपने वेजिटेबल भेल जो बनाई है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। वो एक इंटरेक्टिव चीज भी है, नई चीज भी है लोगों के लिए, और काफी अच्छा है वो। एक नॉर्मल सलाद से एक इंटरेस्टिंग चीज है जो देखते भी बनता है जी। और क्या क्या चीजें थी कुछ? और आपका जो जूस था, कैरेट जूस था जो आपने कोकोनट मिल्क से बनाया है, वो भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि लोग जनरली मिल्क के आदि है, डेयरी प्रोडक्ट्स के आदि है, तो मिल्क का यूज करते हैं वो ऐसी चीजों में। उसकी जगह जब अपने कोकोनट मिल्क या सोया मिल्क या फिर बादाम का मिल्क, तो इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो प्योर एनडीएस को दर्शाता है, प्योर एनडीएस, प्योर नेचुरोपैथी को। बरोबर है। तो ये चीजें फॉलो करनी चाहिए लोगों को जी, 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 जी। और काफी अच्छा है। बरोबर है। हेलो नितिन जी। हाँ बोल दो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। आज आप चौथे दिन का मजा ले रहे हैं अपको भोजन का, तो भोजन आपको किस तरह से लगा है, कैसा लगा है वो आप दर्शकों को बताइए। आज का भोजन बहुत अच्छा है, और ये राजकोट की चटनी जो मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छी तरह से बनाई है और बहुत टेस्टी है। वेजिटेबल बेल है जी, आचार है वो भी बहुत बढ़िया है। आज सबको पता चला खास तौर पे कि आलू कच्चा भी खाया जाता है। आज सबको मैंने जा के पूछा कि भाई ये आपने खाया क्या, ये क्या है? तो हमने बोला कि भाई ये कच्चे आम का आचार है, बराबर। तो ये कच्चे आम नहीं है, ये आलू है और कच्चे आम जैसा ही सबको लगा है जी। दर्शकों आप भी, मैं भी बताना चाहूंगी कि ये मेहसाणा में भी बहुत सारी रेसिपी बनाते हैं, ये दोनों मास्टर है। हेलो नमस्कार एकता जी। ये न्यू डाइट सिस्टम की बहुत मास्टर, रेसिपी मास्टर भी है और गाइड भी करती है और सेमिनार भी लगवाते हैं जी। आप कुछ अपना अनुभव या फिर रेसिपी के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? आज का भोजन कैसा लगा? आज का भोजन बहुत ही बढ़िया है, इसमें मूंगफली की जो बर्फी बनाई है वो बहुत ही टेस्टी है और सभी लोगों को भी बहुत बढ़िया। और आपको पूछ रहे थे किस तरह से बनाई है वो मूंगफली, इसे पीस लो मूंगफली के दाने को, फिर उसके अंदर नारियल का बूरा डाला है, काजू बादाम की पेस्ट करके डाले, काजू बादाम क्रश करके डाला है, हनी डाली है और बीजे और भी ड्राई क्रिसमिस डाली है और इलायची पाउडर डाला है। आप भी घर पे बनाओ और खाओ और हेल्दी रहो। और हाँ एकता जी,
यहाँ शिविर में ज्यादातर एजेड लोग आए हैं, तो क्या ये सिस्टम बच्चों के लिए भी या फिर यंगस्टर के लिए भी है वो फॉलो कर सकते? सबके लिए है, 2 साल से 25 के लेकर 90 साल के बूढ़े तक सब लोग कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा जो पिज्जा वगैरह वो कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन है उनके लिए? पिज्जा पिज्जा जो खाना सकते हैं वो एनडीएस की चाट बनाओ, एनडीएस के दही वाले बनाओ, सब आइटम हमारे यहाँ बनती है, सब बनाओ और खाओ। हमारी रेसिपी की बुक भी मिलती है और यूट्यूब पर सब वीडियो भी फॉलो करे हुए हैं, आप यूट्यूब पर सब वीडियो भी देख सकते हैं। जी थैंक यू एकता मैम, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति जी, आपको अभी क्या पी रहे है? कैरेट का जूस है क्या? हाँ, कैरेट का शेक है वो। आपको कैसा लगा? अच्छा, टेस्टी है। और आप बता सकती है उसमें क्या क्या यूज किया होगा इसमें? हाँ, कैरेट और नारियल का टेस्ट आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और ये बच्चों को भी पसंद आएगा ये? बिल्कुल आएगा।